बाओलोग इरेग्यून तबाह होने वाला है और अपना कैलिब्रिम्बोर अनाटार पर भरोसा करके खुद की धज्जियां उड़ाते जा रहा है और इरेग्यून को भी अंधकार में ढकेलते जा रहा है। बाबा एपिसोड 6 ड्रॉप आउट हो चुका है, चलो बात कर लेते हैं। काफी जगह एक साथ कहानी अलग अलग चल रही है। एपिसोड के शुरुआत में ही कैलिब्रिम्बोर भी ड्यूरिन की तरह मेमोरी लॉस और शॉर्ट टेम्पर का शिकार होते नजर आया। इट मीन्स ये कि जो रिंग बना रहा है उसको भी ये रिंग उतना ही डैमेज कर रही है जितना कि रिंग बेयरर को कर रही है। लेकिन सौरन लगातार कैलिब्रिम्बोर को माइंड वॉश करने में अपना काम कराया जा रहा है, उसे सफल हो रहा है। उधर खाजा दूम में किंग ड्यूरिन को बहुत हद तक रिंग लालची बना चुकी है जो लगातार माइनिंग पे माइनिंग कराए जा रहा है और सोना निकाले जा रहे हैं। और स्लो पॉइजन की तरह ड्यूरिन की रिंग उसे खाई जा रही है लगातार रात दिन, जिसकी फैटिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रिंस ड्यूरिन और डिसा ही समझ रहे हैं, जो काफी हद तक चाहते हैं कि माइनिंग रुक जाए। लेकिन बाबा एज वी सॉ इन प्रीवियस एपिसोड, बैलरॉक की हार्ट सुनाई दी थी। मुझे लगा कि शायद एपिसोड 6 में यानी इसमें थोड़ी सी कुछ ना कुछ झलक देखने को मिल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर रूम में भी स्टोरी ने रफ्तार पकड़ ली है। टॉम बॉम्बार्डेल स्टार को अपनी पावर पर कंट्रोल करना सिखाया जा रहा है लगातार, और ये शो का बैकबोन पार्ट होने वाला है, क्योंकि स्टार अभी भी शक के दायरे में है कि आखिर ये है कौन और इसका क्या रोल होने वाला है, क्या यही गैंडोल्फ होने वाला है। लेकिन टॉम बॉम्बार्डेल इसे बस जल्दी जल्दी ऑल पावर्स को कंट्रोल करना ही सिखा रहा है, ताकि वो सौरन और डार्क विजार्ड को एक साथ ना आने दे और उन्हें रोक पाए, जिसे नॉरी और पॉपी की चिंता भी हो रही है क्योंकि वो भी भटक चुके हैं। बट ही डजंट नो कि वो स्टुअर्ट्स के पास सेफ हैं। बट बॉम्बार्डेल स्ट्रिक्टली स्टार को अपने रास्ते पर फोकस करने को ही कह रहा है। नॉरी और पॉपी स्टुअर्ट्स के बीच काफी गुल मिल गए हैं, वहीं पॉपी अपने नोबडी बॉय से नैन मटक का भी करते नजर आई, और बाबा इनकी फर्स्ट किस भी हुई जो काफी काफी वियर्ड थी। उधर न्यूमिनोर में फेराजॉन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपने कैप्टन इलैंडिल भाई को जबरदस्ती नेड स्टार्क की तरह घुटनों पर टिकाना चाहता है, जस्ट लाइक जॉफरी, जहां एक बार के लिए मुझे डर भी लग रहा था ये बंदा नेड स्टार्क की तरह चूतियां ना कटवा ले, कहीं मान ना जाए, क्योंकि उसकी बेटी लगातार फोर्स कर रही थी जस्ट लाइक सैनसा कि फेराजॉन को किंग एक्सेप्ट कर लो। लेकिन बाबा दाद देनी पड़ेगी इलैंडिल भाई को, मुंह पे रिजेक्शन दिया इसने कि तुझे मैं मरते दम तक राजा नहीं मानूंगा। देन उसके बाद उसे यानी किंग्स लॉ ने इसका एंशियंट लॉ के हिसाब से सजा देना का निर्णय लिया, और एक ट्रायल होता है जिसे सिचुएट करा गया, जहां अपराधी को समंदर में फेंक दिया जाएगा, जो काउंट करा जाता है कि इफ यू आर गिल्टी देन वेल आर आपको सजा देंगे वरना छोड़ देंगे, जहां एक समुद्री क्रिएचर उसे खा जाएगा वरना छोड़ देगा, जो भाई कतई भयानक था। किसी को इसके बारे में पता हो तो नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर। लेकिन 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 रानी मिरिल और अपने इलैंडिल भाई के बीच में थोड़ा लबी डबी वाला सीन भी देखने को मिला, जहां मिरिल ने इलैंडिल को की जगह खुद को उस ट्रायल में पार्ट लिया, उसे रिजेक्ट करवाया और नॉन गिल्टी भी साबित हुई। उस बड़े क्रिएचर ने मिरिल को पानी से बाहर फेंक दिया, और यहां फिर से न्यूमिनोर की पॉलिटिक्स बदलने जा रही है, जहां लोग फिर से मिरिल को पसंद करने लग गए हैं इस ट्रायल के बाद। उधर अडार और ग्लैड्रियल के बीच में सौरन को लेकर काफी बातें चल रही हैं। एक बार के लिए लगा कि शायद अवॉक्स और एल्व्स मिलकर सौरन के खिलाफ लड़ने वाले हैं, बट अडार को इरेग्यून को सिर्फ तबाह करने के लिए, मतलब मरा जा रहा है ये बंदा इरेग्यून को तबाह करने के लिए, और उसने हमला भी कर दिया है, जो एक्चुअली सौरन यही चाहता है, ताकि एल्व्स और ऑक्स आपस में भिड़ जाएं और उसे और भी ज्यादा टाइम मिल जाए रिंग्स को फोर्स करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए। और भाई लिटरली सौरन ने शो को उठा रखा है, गजब का गेम खेल रहा है, गजब की क्रुएलिटी भी दिखा रहा है, उसे बस अपना मकसद रिंग्स ही सूझ रही है उसे बनाने के लिए, जहां कैलिब्रिम्बोर को उसने काफी हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है। देन एपिसोड यहां पर खत्म होता है और एपिसोड 7 में देखेंगे क्या मिलता है। लेकिन ऑक्स ने बाबा सुंदर इरेग्यून पर हमला कर दिया है, जो डेफिनेटली 7th एपिसोड में तबाही देखने को मिलने वाली है। कौन कौन कितना एक्साइटेड है इस पार्ट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।